हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमाचल करंट अफेयर और हिमाचल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इट मीन्स इंडियन स्टेट किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, वो 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा अखंडता और समाजवादी शब्द भी जोड़े गए थे। अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुमूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल राइट फ्रॉम विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। हु इज कैपेबल ऑफ अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। आर्टिकल 368 में दिया गया है कि भारत की जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्थिक न्याय मतलब धन का समान वितरण। धन का समान वितरण की बात जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, और आर्थिक न्याय की बात की गई है आर्टिकल 39C में, यानी कि धन का समान वितरण। तो संविधान का ऐसा कौन सा अंश है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत किया गया है कि धन का जो है वो समान वितरण किया गया है। नेक्स्ट है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, फाइनेंशियल बिल में भी प्रपोज्ड लोकसभा में। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है लोकसभा में। वित्त विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में किया गया है। कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस बिकॉज इसे भंग नहीं किया जा सकता, और कुछ सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है। वट इज़ द प्रेपरेशन फॉर बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड। इसे परफॉर्मेंस बजट या इसे निष्पादन बजट कहा जाता है। निष्पादन बजट क्या होता है, जो भी बजट दिए गए हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट वो बजट होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार जो है जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होता है। निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटकम बजट की, तो इसका यूज जो है किसी मंत्रालय या विभाग के लिए किया जाता है इस बजट का यूज। जेंडर बजट का यूज जो है किसमें किया जाता है, ये ऐसा बजट होता है जो कार्यों और योजनाओं का आवंटन जो है वो जेंडर के आधार पर करता है। इसके अलावा जीरो वेस्ट जो बजट है
वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आय कम होती है और व्यय अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में इस बजट को जारी किया जाता है। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आय कम हो और व्यय अधिक हो तो इस तरह का बजट जो है वो क्या कहलाता है, जीरो वेस्ट बजट कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, बाई व्हाट नेम इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन, राज्यसभा, भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है जबकि जो निचला सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है, गवर्नर को हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है, जो गवर्नर है उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता, तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बाई हुम इज़ द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 में ये दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राकलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो इसके सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि जो लोक लेखा समिति है जिसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है उसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। मोस्टली एग्जाम में ये दोनों पूछी जाती हैं, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति। प्राकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें तदर्थ समिति की, तो ये वो समितियाँ होती हैं जिसे जिनका निर्माण जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज, 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पंचायती राज, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू, कीप वॉचिंग।